नमस्कार दोस्तों, हम फिर हाजिर हुए हैं आपके लिए मल्टीप्लिकेशन का ये दूसरा वीडियो लेकर, जिसमें कि हम आपको बताने वाले हैं कि 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन को आप बड़ी आसानी से कैसे करें। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो मल्टीप्लिकेशन का नहीं देखा है, जिसमें कि हमने 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताया है, तो पहले वो जाकर देखिएगा और फिर 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन का वीडियो देखिएगा, तो वो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ओके दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। चलिए, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, कुछ स्टेप्स में आपको बताया था कि 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कैसे करें, तो इस वीडियो में भी हम आपको वही चीज बताने वाले हैं कि 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कैसे करें। सबसे पहले आप वो स्टेप्स देख लीजिए। ओके, 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन की। ओके, चलिए नंबर 1 स्टेप। 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन है मतलब 3 सर्कल, है ना, जैसे पिछले वीडियो में हमने बनाए थे स्टेप्स में। ये 3 सर्कल का मतलब क्या है? डिजिट से 1 2 3 1 2 3, 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और इनटू करना है ना, इसका इससे मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो सबसे फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, एरो पर ध्यान दीजिएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करना है। देन सेकेंड स्टेप, 1 2 3 1 2 3, इस स्टेप में क्या करना है आपको, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब थर्ड स्टेप देखिए, थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, 1 2 3 1 2 3, थर्ड स्टेप में आपको करना है इस तरीके का मल्टीप्लिकेशन। ओके, अगर आप एरो को ध्यान रखोगे ना, तो बहुत ही आसानी से कर लोगे। ठीक है, क्या करना है, इसका इससे और इस डिजिट का इससे मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके, चलिए अब फोर्थ स्टेप देखते हैं, 1 2 3 1 2 3, थर्ड स्टेप देख लिया आपने, अब फोर्थ स्टेप में इसका इससे और इस डिजिट का इससे मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके, इस तरीके से, ये एरो पे ध्यान दीजिएगा, ये तो मैंने मल्टीप्लाई का बस निशान बनाया है, ठीक है, एरो पे ध्यान देना। अब फिफ्थ स्टेप, 1 2 3 1 2 3। ओके, फिफ्थ स्टेप में क्या करना है, लास्ट वाली डिजिट का, मतलब यहां से लास्ट वाली डिजिट का, ये वाली डिजिट का मल्टीप्लिकेशन इस डिजिट से करना है। ओके, तो इन 5 स्टेप में आपको 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके, तो बहुत ही आसानी से आप इसका आंसर ले आओगे। चलिए मैं इसका एक एग्जांपल दे देती हूं आपको, कोई भी नंबर ले लीजिए, फॉर एग्जांपल लेते हैं 4 23 into 3 4 2। ओके, ये ले लिया हमने नंबर, और यहां पर पहले मैं आपको बताती हूं, अगर आप इसे नॉर्मल वे से करते तो आपका कितना टाइम वेस्ट होता, क्या है 4 2 3 और 3 4 2 4 2 3 और 3 4 2। नॉर्मल वे में अगर आप इसका मल्टीप्लिकेशन करते तो कैसे करते, 2 3 6, ओके, 2 2 4 2 4 8, फिर इंटू लिखते 4 3 12, कैरी 1, 4 2 8 9 4 4 16, ये लिख लिया, और फिर इसका करते कैसे, इस तरीके से 3 3 9 3 2 6 3 4 12, इस तरीके से करते, और फिर क्या करते, इसको ऐड करते, तो चलिए करते हैं 6 4 5 6 9 9 18 18 8, कितना हो गया 18 8 26, ठीक है, 9 9 18 18 8 26, कैरी 2, 6 6 12 6 6 12 13 14, कैरी 1 2 3 4 और 1, मतलब आपका जो आंसर आता है इतना बड़ा करके फिर ही आता, पर आप देखना ये हम स्टेप्स यहां पे लिखेंगे नहीं और यहीं पे आंसर ले आएंगे अगर हम इस मेथड से करते हैं तो। ठीक है, चलिए देखते हैं फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसको इससे इंटू करना है, चलिए करते हैं 2 3 6। ओके, नेक्स्ट स्टेप में इसका इससे और इसका इससे, मतलब 2 का 2 से और 4 का 3 से, 2 2 2 4 और 4 3
12, कितना आया? 4, 5, 6, ये हमने 6 लिख लिया, कैरी 1, याद रखिएगा कैरी को, ठीक है? अब क्या करना है थर्ड स्टेप पे, इसका इससे और इसका इससे, चलिए करते हैं, मतलब 2 का 4 से, 3 का 3 से और 2 का 4 का 2 से, ओके? चलिए करते हैं, 3 3 जा 9, यहां लिख लेते हैं, ओके? 2 4 जा 8, ये लिख लिया, और 4 2 जा 8, 8 8 16, ठीक है? 8 8 16 प्लस 9 कितना हो गया? 25, 25 प्लस ये वाला 1, 26, ओके, यहाँ पे 25 हुआ, पर ये कैरी किया तो हमें कितना मिल गया? 26 मिला ना, तो यहाँ पे फिर से 6 लिख लो, और कैरी क्या चला गया? 2 चला गया। अब फोर्थ स्टेप देखो, ये रही फोर्थ स्टेप, कैसे? 4 4 जा 16 और 3 2 जा 6, ठीक है, यही होगा ना, इसका इससे और इसका इससे, तो 4 4 जा 16 और 3 2 जा 6, कैरी कितना हुआ था आपका? 2, तो ये ऐड कर दो, 6 6 12 13 14, कैरी 1, ये 2, कितना आया? 24, तो ये हमने 4 लिख दिया, कैरी क्या चला गया? 2 चला गया। अब देखो, अब लास्ट स्टेप बची है, इसका इससे इनटू करिए, 3 4 जा 12, ओके, 3 4 जा 12, ये देखिए, इसका इससे करना है ना, तो 3 4 जा 12 और ये कैरी 2, तो 12 प्लस 2 कितना हो गया? 14, तो आपने देखा 1 4 4 6 6 6, मतलब 1 4 4 6 6, 1 4 4 6 6, दोनों में आंसर सेम आ रहा है। और आपने देखा होगा यहाँ पे हमने कितने जल्दी इस क्वेश्चन को कर लिया, यहाँ पर तो मैं आपको स्टेप्स बता रही थी इसलिए इतना भी टाइम लगा, नहीं तो मैं आपको गारंटी देती हूँ 10 से 15 सेकंड में आप इसको कर लोगे, ठीक है, बहुत, अगर आपने बहुत प्रैक्टिस की तो, ठीक है। तो अब से आप इसको नहीं करोगे, इस तरीके का मेथड नहीं करोगे, आप अपनाओगे ये वाला मेथड, ओके, जब भी आप 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन करोगे। चलिए अब एक दो एग्जांपल और मैं आपको दे देती हूँ, चलिए अपनी मर्जी से कोई भी नंबर ले लेते हैं, ओके, चलिए देखते हैं, कोई भी नंबर जैसे कि 3 4 3 × 2 6 1, एक ये नंबर ले लेते हैं, ओके, एक नंबर और ले लेते हैं, कौन सा? 4, बड़ा ले गया थोड़ा, नंबर बड़ा लेते हैं, चलिए 6 2 3 × 4 2 1, ओके, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आप देखोगे कि एक ही स्टेप में आ जाएगा, है ना, क्योंकि आपको याद हो गई है स्टेप, और मेरे साथ करोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस पे करते हैं हम, वो जो स्टेप अभी आपको बताई थी, क्या किया था? इसका इससे, 1 3 जा 3, अब इसका इससे और इसका इससे, 1 4 जा 4, 6 3 जा 18, ओके, 8 और 4 कितना हो गया? 8 और 4 12, कैरी 1, 1 और 2 22, ओके, तो यहां पे लिख लिया हमने 2। अब थर्ड स्टेप, इसका इससे और इसका इससे, है ना, तो चलिए करते हैं, 1 3 जा 3 2 3 जा 6 6 4 जा 24, ओके, 6 4 जा 24, करिए ऐड, 6 4 10 3 13, कैरी 1, 2 प्लस 1 3, और याद रखिए ये कैरी भी है, ठीक है, कैरी मत भूलना, नहीं तो क्वेश्चन ही गलत कर दोगे, ठीक है, तो कैरी याद रखना, तो 33 प्लस 2 कितना हो गया? 35, 35 हो गया ना, 33 प्लस 2, तो यहाँ पे लिख दो 5, फिर से कैरी गया 3, ओके। अब फोर्थ स्टेप क्या थी? इसको इससे और इसको इससे, ओके, तो 6 3 जा 18 और 2 4 जा 8, कितना हुआ? 8 8 16, कैरी 1, 26 प्लस 3 29, फिर से कैरी कितना गया? 2 गया, ओके, यहां पे देखिए 26 प्लस 3 किया है, याद रखिएगा, तभी 29 आया है, तो 2 हुआ कैरी। अब लास्ट स्टेप, 2 3 जा 6, 6 7 और 8, देखा आपने कितनी आसानी से हमने यहां पे कर दिया, ये 2 बचा था और 2 3 जा 6, कैरी था 2, तो प्लस 2 कर दिया, तो कितना हो गया? 8 हो गया, तो आंसर क्या है? 8 9 5 2 3, कितनी आसानी से आ गया, है ना। चलो इसको देखते हैं, वही स्टेप फॉलो करनी है आपको, कौन सी? 1 3 जा 3, सेकेंड स्टेप में क्या? इसको इससे, इसको इससे, तो 1 2 जा 2
टू थ्री जा सिक्स, छह और छह सात आठ, कुछ कैरी नहीं आया है ना। अब इसको इससे और इसको इससे, है ना, वो जो एरो बनाई थी याद है ना, दिमाग में बैठा लीजिए उन एरो को, ठीक है। चलो वन सिक्स जा सिक्स, फोर थ्री जा ट्वेल्व और टू टू जा फोर, कितना हुआ, छह चार दस दो बारह, कैरी वन टू, ये लिखा हमने टू, कैरी चला गया टू फिर से। अब टू सिक्स जा ट्वेल्व और फोर टू जा एट, आठ नौ दस, कैरी वन, कितना हुआ ट्वेंटी प्लस टू, कितना हो गया ट्वेंटी टू, फिर से क्या चला गया कैरी, टू चला गया। अब लास्ट स्टेप कौन सी बची आपकी, सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर प्लस टू ट्वेंटी सिक्स, ओके ट्वेंटी फोर प्लस टू ट्वेंटी सिक्स, तो आंसर क्या आया टू सिक्स डबल टू एट थ्री, ओके हमने ये कर दिया ना, सिक्स टू जा ट्वेल्व, हाँ ये कर दिया, ओके तो क्या आंसर आया आपका टू सिक्स डबल टू एट थ्री। तो आपने देखा आपने कितना आपका टाइम बच भी गया और आपको दूसरी क्वेश्चन करने का टाइम मिल जाएगा अगर आप जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हो, तो ठीक है ये मैंने दो एग्जाम्पल दे दी और आप प्रैक्टिस करिएगा, आपको ये याद ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो थ्री डिजिट मल्टीप्लीकेशन का, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो याद रखिएगा कितने लाइक्स का टारगेट है, 50 लाइक्स का टारगेट है, ठीक है 50 लाइक्स का टारगेट है, इतना तो आप कर ही दोगे, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा, और जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।